रशिया में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों को लेकर उनके अभिभावक खासे परेशान हैं और छत्तीसगढ़ के इन छात्रों में से 43 बिलासपुर जिले के हैं। लॉकडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बैन होने से ये छात्र रशिया में ही फंसे हुए हैं। छात्रों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने मदद की है, लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचने तक इन छात्रों को 1 से 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा, जिसमें क्वारंटीन और हवाई जहाज का किराया जैसे खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा। अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्रीधर मिश्रा के मुताबिक अगर हवाई जहाज के किराए और क्वारंटीन के खर्च में थोड़ी रियायत मिल जाए तो उनको आर्थिक राहत मिल जाती है और इसके लिए अभिभावकों ने पीएम और सीएम और शहर विधायक से निवेदन भी किया है। बहरहाल इनको कोई राहत अब तक नहीं मिली है। अब बच्चों को गवर्नमेंट दिला रही है तो फेयर का चार्जेस भी ले रही है, कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे वो भी चार्जेस लेगी, क्वारंटाइन करेगी 14 दिन उसका भी चार्जेस लेगी। हम नागरिक होने के नाते सारे दिशा निर्देशों को मानेंगे और इन सब चीज़ों के लिए बाध्य भी हैं, क्योंकि हमको बच्चों को लाना ही है। हमारे राज्य सरकार से एक विशेष आग्रह है कि इन सब समस्त खर्चों को देखते हुए यदि कि पेरेंट्स लोगों को कुछ इसमें कुछ रियायत मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होता।